नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका डिजिटल मार्केटिंग मेड चैनल में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं लीड कैंपेन को। अगर आप जनरेट करना चाहते हैं लीड्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से, तो डायरेक्टली आप अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में लॉग इन कर सकते हैं, वहीं से आप कैंपेन बना सकते हैं। जो दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में लॉग इन करना है। आपको यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करना है और आपको एड मैनेजर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन के लिए ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो लीड जनरेशन है, तो आपको यहाँ पे कंसिडरेशन में जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो लीड जनरेशन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप ए बी टेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं दो क्रिएटिव को या प्लेसमेंट को, ऑडियंस को, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे इस बटन को ऑन करना है और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप क्रिएटिव को करना चाहते हैं, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑडियंस प्लेसमेंट। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बटन को ऑन कर सकते हैं और फेसबुक एड आपका जो भी एड सेट अच्छे से आपको रिजल्ट ला रहा होगा, जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी तरफ ज्यादा बजट डाइवर्ट कर देते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल एड सेट है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने कैंपेन लेवल पे यहाँ पे टिक हो गए, तो आप हम एड सेट लेवल में। सबसे पहले आपको अपने एड सेट लेवल को एक यूनिक नेम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को चूज करना है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आपके पास पेज नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक एड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है डायनामिक क्रिएटिव का, जिसमें आप इमेज और हेडलाइन प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, तो लेकिन उसमें आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है ऑडियंस का। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेव ऑडियंस है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जो भी आपकी सेव ऑडियंस है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टम ऑडियंस है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपकी कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई लुक लाइक ऑडियंस है तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं, तो यहाँ से आप एक नया ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो लोकेशन का होता है, जिसमें आप कुछ लोकेशन को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपके पास एज का ऑप्शन होता है कि अगर आपकी जो भी एड आप चाहते हैं वो 25 से लेकर 35 की जो उम्र के लोग उनको दिखे, तो यहाँ से आप एज रिस्ट्रिक्शन को चूज कर सकते हैं। आप जेंडर को चूज कर सकते हैं कि आपकी एड वुमेन के लिए या मेन के लिए। उसके बाद फेसबुक आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन देता है, जिसमें तीन ऑप्शन होते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो भी आपकी ऑडियंस को आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे फेसबुक डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में। मैं यहाँ पे उनका साइज देख सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर ऑडियंस का क्या साइज है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह आप अगर नैरो करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो यहाँ पे आप नैरो ऑडियंस कर सकते हैं कि जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है लेकिन उनका एसईओ में भी इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से अपनी ऑडियंस को नैरो कर सकते हैं। जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है लेकिन उनका इंटरेस्ट पीपीसी में भी, तो यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को और भी नैरो कर सकते हैं। आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आप कोई भी टॉपिक है जिसको नहीं चाहते कि लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में तो इंटरेस्ट है बट एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है, तो यहाँ से आप जो एक्सक्लूड कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑडियंस को। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है डिटेल टारगेट एक्सपेंशन का। तो जो भी आप टारगेटिंग करते हैं उसके बियॉन्ड जाके आप चाहते हैं कि फेसबुक भी टारगेट करे ऑडियंस को, तो आप यहाँ से इस बटन को यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज टारगेट कर सकते हैं, तो जो भी लैंग्वेज आप टारगेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जिसमें फेसबुक डिसाइड करता है कि आपकी एड कौन सी प्लेसमेंट पे शो होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट है। अगर आप कंट्रोल आप चाहते हैं आप करें, तो यहाँ से आप मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ ऑप्शन डिवाइस का होता है कि आप चाहते हैं जो आपकी एड है वो मोबाइल पे भी शो करे, डेस्कटॉप पे भी शो करे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड सिर्फ मोबाइल पे आए, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप को अनचेक कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जो आपकी एड है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे चेक है, बिकॉज जो लीड जनरेशन एड होती है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आती हैं, तो आप देख सकते हैं इसलिए यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क और जो मैसेंजर है उस पर आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है, फीड होता है, स्टोरीज होता है, कहाँ पे आप चाहते हैं जो आपकी लीड जनरेशन एड शो हो। अगर मैं नहीं चाहता जो मेरी एड है वो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे शो, तो मैं यहाँ से अनचेक कर सकता हूँ। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है इन स्ट्रीम का, अगर आप नहीं चाहते कि जो वीडियोस है उनमें आपकी एड शो, तो यहाँ से आप उनको अनचेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप कोई भी कस्टमाइजेशन कर सके। फिर आपके पास ऑप्शन होता है बजट और शेड्यूल का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो हमारी कैंपेन ऑप्टिमाइज होगी वो लीड के बेसिस पे होगी।
सेकंड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉस्ट कंट्रोल का, यहाँ पे आप एक एवरेज कॉस्ट पर लीड मेंशन कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आपको अपनी एड को लाइव होके एटलीस्ट 1 से 2 वीक चलने देना है, उसके बाद आपने देखना है क्या आपको एक एवरेज कॉस्ट पर लीड आ रहा है, उसी के बाद आपको यहाँ पे कोई अमाउंट मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे कोई बहुत ही कम अमाउंट मेंशन करेंगे तो आपकी एड को इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है बजट और शेड्यूल का। अगर आप डेली बजट रखते हैं तो आपके पास ऑप्शन शेड्यूलिंग का नहीं होता, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम यहाँ पे बजट रखते हैं तो आप यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ 15 जुलाई को स्टार्ट डेट और यहाँ पे 20 जुलाई को एंड डेट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बजट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने अगस्त को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको इसको बैक जाके यहाँ पे जुलाई को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो एरर था वो एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं और आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ मेरी मंडे को एड सुबह 9 बजे से लेके सिर्फ यहाँ पे 6 बजे तक आए, तो इस तरह आप डिफरेंट यहाँ पे जो भी आपका टाइमिंग उसके हिसाब से आप ट्यूजडे को इस एड को सुबह 6 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक चाहते हैं, तो इस तरह आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट शेड्यूलिंग को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हम एड क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक यूनिक नेम देना है एड के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी फेसबुक पेज आपने सिलेक्ट किया प्रमोशन के लिए वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसी तरह जो भी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है हमारे फेसबुक पेज से वो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट का, कि जो हमारी एड है वो हम किस फॉर्मेट में शो करेंगे अपने यूजर को। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला है क्राउजल जिसमें हम डिफरेंट 10 इमेजेस यूज कर सकते हैं, और सेकेंड है यहाँ पे इमेज। तो क्राउजल में अगर आप सिलेक्ट करते हो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इमेज 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इमेज 2 कर सकते हैं, इमेज 3 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि इमेज या वीडियो यूज करना तो आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे चेंज इमेज करना है और यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप डिफरेंट इमेजेस को अगर चाहते हैं कि वीडियो में कन्वर्ट करना तो यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन टर्न इनटू वीडियो पे क्लिक करना है। आप यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ में यहाँ से डिफरेंट जो इमेजेस हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ, तो इस तरह यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप लोगो ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंट इमेजेस को वीडियो में एक थीम के साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे क्रॉस करता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि अगर आप डिफरेंट जो प्लेसमेंट के बेसिस पे कुछ एडिट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो इंस्टाग्राम फीड है या इंस्टाग्राम स्टोरीज है उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप वो आप कर सकते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम स्टोरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि अगर इसमें आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं इमेज में तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो प्राइमरी टेक्स्ट आप देना चाहते हैं। आपके पास यहाँ बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन होता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी स्टोरीज के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट यूज करना है, जिसमें फेसबुक रिकमेंड करता है कि आपको 125 कैरेक्टर तक यूज करना चाहिए। जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो आपकी एड के टॉप पे शो होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट मेंशन किया वो हमारी जो एड है उसके टॉप पे शो कर रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शनल होता है हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन में आप 240 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों यूज करना चाहिए अपनी एड में। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे जो हेडलाइन मेंशन की तो वो बोल्ड लेटर में यहाँ पे इस तरह शो हो रही है, इसी तरह जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया वो हमारी हेडलाइन के नीचे शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से कॉल टू एक्शन चूज करना है, तो आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन होते हैं तो आप चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपने लीड जनरेशन के लिए फॉर्म क्रिएट करना है, तो आपके पास यहाँ पे न्यू फॉर्म का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का एक यूनिक नेम देना है। आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो फॉर्म टाइप का मिलता है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको ज्यादा वॉल्यूम में लीड चाहिए या आपको हाई क्वालिटी की लीड चाहिए। अगर आप पहले ऑप्शन में चूज करते हैं तो क्या होता है, अगर आपकी एड पे कोई क्लिक करता है यूजर, तो ऑटोमेटिकली जो यूजर होता है उसकी डिटेल फॉर्म में फिल होती है, डायरेक्टली वो सबमिट कर सकता है। लेकिन आप सेकंड को चूज करते हैं तो वहां पे एक यूजर के पास रिव्यू का ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे हाई इंटेंट को यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्वालिटी लीड आएंगी। उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है इंट्रो का, अगर आप अपनी लीड जनरेशन जो आपका फॉर्म है उसमें कोई इंट्रो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन किया तो हमारी जो एड में किस तरह वो शो होगा, तो आप देख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन होता है वो क्वेश्चंस का होता है,
कि जो आपका फॉर्म होगा उसमें कौन से क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो इसमें आप इनका जो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले आप फुल नेम पूछना चाहते हैं, उसके बाद ईमेल आईडी है, तो उसमें आप यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरी है वहां से डिफरेंट, जैसे आप चाहते हैं कि आप फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपने कॉन्टेक्ट फील्ड पे यहाँ पे अपने माउस को लेके जाना है और आपको यहाँ पे फोन नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, तो आप देख सकते हैं फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे दोबारा कॉन्टेक्ट फील्ड पे जाते हैं, आप सिटी भी कैप्चर करना चाहते हैं तो आप सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो डिफरेंट जो आप भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपका जो यूजर फिल करे वो आप यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कॉन्टेक्ट फील्ड है, यूजर इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हैं, वर्क इन्फॉर्मेशन है, नेशनल आईडी नंबर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको 3 से 4 ही यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करने चाहिए। आपने फॉर्म को इतना लेंथी नहीं बनाना कि यूजर उसको फिल ना करे, जितने शॉर्ट फॉर्म होते हैं उतने ज्यादा चांस होता है कि यूजर उस फॉर्म को फिल करे। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है शेयरिंग में। एक पहला है रिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब है जिस भी यूजर ने आपकी एड देखी वही उसको फिल करके आपको भेज सकता है। और सेकेंड है ओपन, कि जिसे यूजर ने आपकी एड देखी वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना, कि आप तो चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम लीड मिले। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी उसका यहाँ पे आपको लिंक मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो रिव्यू स्क्रीन आपके पास ऑप्शन तभी आएगा अगर आपने यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहले फॉर्म टाइप है आपने अगर हायर इंटेंट को चूज किया है। अगर आपने मोर वॉल्यूम किया तो फिर उस केस में आपके पास जो ये रिव्यू स्क्रीन का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज रिव्यू स्क्रीन का मतलब होता है जब यूजर ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी उसके बाद वो रिव्यू कर सकता है आपको शेयर करने से पहले। जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे कंप्लीशन है। कंप्लीशन में आपके पास जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, बटन टाइप, बटन टेक्स्ट और वेबसाइट लिंक होता है। जब यूजर अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करता है तो आप डेफिनेटली चाहते हैं आपकी वेबसाइट को भी विजिट करें, बिकॉज अभी तक यूजर ने आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है। जो लीड जनरेशन कैंपेन है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे यूजर वहीं पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करता है और आपके साथ शेयर करता है, बट उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना है। आपका जो यहाँ पे बटन टेक्स्ट उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू वेबसाइट है और मैंने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, अपने फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है डेमो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कन्वर्जन ट्रैकिंग का। अगर आपने पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया है तो आप यहाँ से डिफरेंट जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको इन बटन को यहाँ से ऑन करना है। ऐप इवेंट यहाँ पे ऑफ है, ऑफलाइन इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन है। तो आप अगर आपने कोई भी ऑफलाइन इवेंट क्रिएट किया तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि जब आपकी एड शो होती है बाद में आप उसको गूगल एनालिटिक्स में जाके देखना चाहते हैं कितना ट्रैफिक आपका इस पर्टिकुलर एड से आया, तो वो आप विद यूआरएल पैरामीटर की हेल्प से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन का सोर्स मेंशन करना है, तो वो फेसबुक है। उसके बाद आपको अपनी कैंपेन का मीडियम यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे सीपीसी करता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप बैनर, ईमेल, फेसबुक फीड आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको अपनी कैंपेन का यहाँ पे नेम सिलेक्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कैंपेन नेम को सिलेक्ट करता हूँ। ये एक तरीके से यहाँ पे वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पे जो कैंपेन कंटेंट है इसमें मैं यहाँ पे एड नेम को सिलेक्ट करता हूँ। आपके पास यहाँ पे और भी पैरामीटर ऐड करने का ऑप्शन, अगर आप प्लेसमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लीड जनरेशन जो हमने कैंपेन क्रिएट किया वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप डिलीवरी में देख सकते हैं शेड्यूल, बिकॉज हमने 15 जुलाई को मैंने शेड्यूल किया है। तो जो भी यहाँ पे डेटा है वो आप डिफरेंट कॉलम्स में जब ये कैंपेन लाइव होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ब्रेकडाउन का ऑप्शन है, आप ब्रेकडाउन के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर लगा के अपने डेटा को देख सकते हैं। जो आपका एड सेट होगा वो आपको यहाँ पे एड सेट में शो करेगा, जो आपकी एड होगी वो आपको यहाँ पे एड में शो करेगी। तो अगर आपको कोई भी एडिट करना है अपनी एड में तो डायरेक्टली आप यहाँ पे होवर करके एडिट पे क्लिक करके अपनी एड को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने एड सेट को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कैंपेन में कोई एडिट करना है तो इसी तरह आप यहाँ पे कैंपेन को एडिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर लिया। जब यूजर हमारी डिफरेंट जो लीड फॉर्म है उनको फिल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आपको जो लीड है वो कहाँ पे आपको शो हो सकती है। तो आपको अपने फेसबुक पेज पे जाना है, आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है और आपको पब्लिशिंग टूल पे क्लिक करना है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लीड एड फॉर्म्स, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो अभी हमने फॉर्म क्रिएट किया था डेमो वो यहाँ पे क्रिएटेड है। जब हमारे इस फॉर्म को कोई भी ऑडियंस जो है वो फिल करेगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीड काउंट है वो हमें यहाँ पे शो होगा।
तो डायरेक्टली मैं अगर मुझे कोई अपनी लीड को डाउनलोड करना तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी जो लीड है यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ डिफरेंट फॉर्मेट में। दोस्तों जब भी कोई यूजर लीड को फिल करता हूँ 90 डेज के लिए अवेलेबल होती है यहाँ पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली जो भी आपका लीड फॉर्म उसको अपने CRM से कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली अगर यूजर लीड फॉर्म को फिल करता है तो आपके CRM में शो करती है, अगर CRM में आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था डेमो वो यहाँ पे क्रिएटेड है। आपको जो भी लीड जब यूजर फिल करता है तो आप यहाँ पे लीड काउंट देख सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 90 डेज का होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा लीड जनरेशन कैंपेन आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह अपनी आप लीड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।